नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। सुबह के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। पानीपत की बेटी ने यूपीएससी में हासिल किया 98 रैंक, परिवार वालों में खुशी का माहौल। थाना चांदनी बाग क्षेत्र के एक व्यवसायी की बेटी ने घर पर फांसी का फंदा लगाकर दी जान। परिजनों ने अब कोच पर लगाए आरोप, कोच पर पुलिस ने किया 306 के तहत मामला दर्ज। गोहाना रोड व आसन रोड ओवरब्रिज के हालात सुधरने वाले विधायक ने मंजूर करवाई 1,79,74,000 रुपए की राशि। 1 जून से शुरू होगी शिवाजी स्टेडियम की बॉक्सिंग एकेडमी, 25 खिलाड़ी करेंगे अभ्यास। सेक्टरों में अवैध कब्जा करने वालों की खैर नहीं, कब्जाधारियों पर FIR दर्ज करवाएगा HSBP, सेक्टरों को जल्द करवाया जाएगा कब्जों से मुक्त। अपहरण, लूट, डकैती, छीना छपटी, फिरौती व चोरी की वारदातों में संलिप्त दोषियों व आपराधिक गिरोहों का पता लगाकर पकड़ा गया 114 अपराधियों को। थाना मतलोडा पुलिस टीम ने जुआ खेल रहे 6 युवकों को किया गिरफ्तार। मौके पर आरोपियों के कब्जे से 1 जोड़ी ताश के पत्ते व दाव पर लगे पैसे किए गए बरामद। सेही 3 पुलिस टीम ने अशोक विहार कॉलोनी में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को किया गिरफ्तार। शराब तस्करों पर जिला पुलिस का अभियान लगातार जारी, अलग अलग स्थान पर अवैध शराब बेचते 7 युवकों को किया गया गिरफ्तार। डिश केबल की दुकान में चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, चोरी किया हुआ 1 LED, 18 सेट टॉप बॉक्स और अन्य सामान किया गया बरामद। एंटी व्हीकल थेफ्ट की टीम ने एक युवक को अवैध देसी पिस्टल सहित किया गिरफ्तार। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़ रहे वॉइस ऑफ पानीपत के साथ नमस्कार।